हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी। मेरा इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं कुराली शहर, और वो किस लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज है चक्रियां का त्यौहार, जिसनों अहोई अष्टमी का त्यौहार भी बोलते हैं। तो उस दे लिए असं अज शॉपिंग करन जा रहे हैं, क्योंकि शाम को असं मत्था टेकना है। तो उस दे लिए कुछ जो बनती शॉपिंग है, ड्रेसिस है, शुभू की है, उसकी दादी की है, चक्रियां खरीद के लियानी है, तो उस लिए असं जा रहे हैं। तो बर्तन वाली दुकान पर भी जाऊँगे। जिमें जिमें सफ़र बढ़ता जाऊगा, असं थोड़े रूबरू होंगे रहोंगे। तो चलते हैं हम कुराली शहर में, तो चलिए फिर। हेलो जी, जिदा मैं पहला ही दस चुकी हूँ कि असं अज चले हैं कुराली शहर। तो गेट खोल दिता सरदार जी ने, तो वो गड्डी दे विच बैठे हैं। गड्डी साड़ी रेडी है, तो चलते हैं फिर कुराली शहर। लो जी, असं पहुँच गए हैं कुराली शहर। मैं थोनों पहले वाली वीडियो भी दिखा चुकी हूँ। ये देखिए, हम असं बाजार नू एंटर कर रहे हैं। देखिए, ये हले मेन रोड आ बाजार नू, असं हले अगे तो जाके सड़क अंदर नू मोड़नी है। ये तुसीं कुराली का मेन रोड देख रहे हैं। ये देखिए फ्रूट सैलर, ये देखिए कितना फ्रूट है, क्योंकि सबनों पता त्यौहार का दिन है, तो फ्रूट चक्री ते करवा ते बहुत ज़्यादा खरीदया जाता लोगों वालों। ये हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो थोड़ा दिखाई दे रहा है, और इस साइड थोड़ा विश्वकर्मा मंदिर दिख रहा होगा। ये देखो, ये रोड सीधा ही रोपड़ सिटी पहुँचता है साड़ी अपने घर, जिथे साडा अपना घर है, जिथे हले तक असं नहीं पहुँचे, क्योंकि सानू अपने पिंड नाल ही इन्ना प्यार है कि सानू चार पाँच दिन हो गए इतने ही। अज असीं चक्रियां का त्यौहार भी इतने ही मना रहे हैं। तो ये देखो, जा रहे हैं असीं हुण सिटी दे विच नूं। ये देखो, इतने चक्रियां भी आ देखो मिल रही हैं। असं जो खरीदा उदों भी थोड़ा दिखावे। ये देखो, असं हम अंदर सिटी चुनों एंटर हो रहे हैं। हाँ देखो जी, असं बाजार से एंटर हो चुके हैं। इतने हम सू थोड़ी जी दूरी से अपनी गड्डी पार्किंग करनी पेगी, क्योंकि अंदर गलियां छोटिया हैं, इतनी गड्डी नहीं जाती, उत्तर सू पैदल तुर के जाना पेगा। ये देखो, असी गड्डी पार्क करती है, हम इसे तो असं तुर के अंदर बाजार में जावे। ये देखिए, हम पैदल चल के जा रहे हैं। ये है कुराली का बाजार। ये देखिए, अभी हम निकल रहे हैं, दोनों साइड दुकानें हैं। ये देखिए, आप ये देख सकते हो यहाँ पे गन्ने भी हैं, क्योंकि चक्री के व्रत पे गन्ने रखे जाते हैं। ये वेजिटेबल शॉप इस टाइप, दोनों तरफ दुकानें हैं। बीच में हम पैदल चल के जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी वगैरह नहीं जाती, बाइक वगैरह जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ये देखिए, हम पहुंच गए हैं, क्योंकि हम सबसे पहले शुभ के लिए चक्री के लिए बर्तन लेने वाले हैं, उसके लिए हम बर्तन की दुकान पे पहुंच गए हैं। ये आपको दिख रहा होगा बैनर, चन्नी दी हट्टी, इसी दुकान पर अब हम जाने वाले हैं बर्तन लेने के लिए। ये देखिए, हम पहुँच चुके हैं, ये है उनकी दुकान। हेलो जी, हेलो जी, असं शुभ की चक्री ली, कढ़ाई ले ली है। ये देखिए, तुम देख सकते हो, ये देखिए, ये थोड़े ढक्कन उठा के तुम दिखा रही हूँ। ये असं हम इतने तो असं बर्तन खरीद लिया है, हम असं अगली दुकान पर जा रहे हैं, जिथे तो असं शुभ लई ड्रेस लेनी है, और फिर उत्थे जाके तुम्हें मिलते हैं। हम शुभ का नाम इतने लिख रहे हैं, शुभ करमनदीप सिंह लिख दिता उन्होंने। ये देखिए, असं हम दुकान तो बाहर निकल चुके हैं, हम असं जा रहे हैं अगर ड्रेसिस की दुकान की तरफ, जिथे असं शुभ लिए ड्रेस लेनी है। मैं पहले ही दस चुकी हूँ थोनों, उस तो बाद उसका असं दादी जी का सूट लेना। तो चलते हैं फिर स्टोर, मिलते हैं थोनों उस दुकान पर जाके। हेलो जी, असं हम कपड़े वाली दुकान तो पहुँच चुके हैं, तो इतने असी मासी जी लिए अपने लिए सूट खरीदने वाले हैं, उस क्योंकि शुभ की चक्री वास्ते उसकी दादी जी ने सूट देना है। देखिए, हम अस इतने बैठ के सूट देखा, फिर थोड़ा दिखाने कि असं कि सूट सिलेक्ट किया। ये बीर जी हैं, सतनाम बीर जी। हेलो जी, असी मासी जी वास्ते सूट ले लिया, तो बहुत खुशी होंगी, क्योंकि मम्मी साढ़े नहीं है, पर मासी जी साड़ी माँ तो भी बढ़ के है, तो वाहगुरु उन्होंने लंबी उम्र लावे, तो इस तरह ही सानू हर त्यौहार मनाने का मौका मिले। आलो जी, पैकिंग करा ली है, तो हम चल रहे हैं अभी शुभ ड्रेस के अंदर।
ਮਾਸੀ ਜੀ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭੂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭੂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨ ਇਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ये देखिए हमने शुभ की ड्रेस ले ली है आज पहनने के लिए, और ये भैया जी और भाभी जी, ये इनका उषा गारमेंट्स के नाम से यहाँ पे स्टोर है कुराली से, बहुत ही अच्छे पर्सन हैं। हमने ये ड्रेस इन्हीं से ली है, बहुत ही अच्छे दिल के लोग हैं। भगवान इनको और तरक्की दे और इनके जो आमदन है और बढ़ाए। अब हम चलते हैं अपनी आगे की और आगे की शॉपिंग के लिए। लीजिए हम वापस जा रहे हैं, इस तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे सब लोग नाशपाती खेल रहे हैं। कि जब दुकानदार फ्री हो जाते हैं तो फिर वो गेम वगैरह ऐसे नाशपाती खेलते हैं। ये हमारी शॉपिंग हो चुकी है, अब हम आगे चलते हैं। ये आगे हमें चक्री लेनी है अपने देवर जी के लिए और शुभ के लिए, तो चलते हैं चक्रियाँ की ओर। हलो जी, असी अंदर बाज़ार तो निकल के आके हूँ गड्डी च बैठ गए हैं, क्योंकि जोड़े जितों तो असी चक्रियाँ लेनी है वो थोड़ा अगे आ, तो उत्थे असी गड्डी से जा रहे हैं हूँ वापस उसकी तरफ। जो तो चक्रियाँ लूँगे फिर मिलते हैं थानू। हलो जी, असी चक्रियाँ को आ रहे हैं, देखिए पैदल जा रहे हैं उनके पास गड्डी खड़ी करके। देखो सरदार जी जा रहे हैं खरीदने के लिए, देखिए यहाँ पर सड़क चल रही है ट्रैफिक। सही सही बोलो कि लो जी, हम असी चक्रा खरीदे, तो चक्रा खरीद के फिर थोनों मिलते हैं। असी दो चक्रे लेने, मैं थोड़ा दसिया एक मेरे देवर जी उन्होंने देवर जी लिए, तो एक शुभ लिए, तो एक असी वड्डा चक्रा लेना दोनों जन का, तो एक असी छोटा चक्रा लेना, तो वो तो बाद फिर थोड़ा असं मिलते हैं। हलो जी, असी दो चक्रियाँ ले लिया, ये वड्डे वाली, ये इन्होंने नाल दी नाल, क्योंकि ये जो ढक्कन से वह पेंट वाला नहीं सी, तो दीदी ने नाल दी नाल सानू पेंट करके दिता। दीदी की नाम है थोड़ा? आमना। हाँ जी, किन्ने साल तो रह रहे हैं इतने कुराली? असि बचपन का ही यही है, ऐसे जन्म हुआ है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये थोड़े मम्मी पापा? हाँ जी पापा, ये मम्मी गए हुए बाजार। अच्छा जी, ये कस्टमर है? अच्छा जी, वो इन्हों के कस्टमर आ। तो असी शुभ वास्ते चक्री ले लिए, तो मेरे दोनों देवर जी वास्ते, तो हूँ इन्हों पेमेंट करके चलते हैं आप अगे। हेलो जी, हूँ दीदी सानू ये पॉलीथीन च पा के दे रहे हैं चक्रे साढ़े। हाँ देखो बड़ी सोहने सोहने, क्योंकि अगे असी घर तेल जाके डेकोरेट करते होंगे, तो हूँ असी डेकोरेट वाले चक्रे चक्कर लेने। तो चामा भी दे दो जी। हेलो जी, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू जी। हलो जी, असी चक्रे खरीद ले, तो हूँ असी जा रहे हैं अपनी गड्डी की तरफ। हूँ साड़ी शॉपिंग जो है वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि फ्रूट वगैरह भी असी पहला ले चुके हैं, ते लो जी गड्डी च रख दो जी। ते हुण असी चलदे आ घर दी तरफ। हलो जी, हुण असी बाजार तो बाहर निकल रहे हैं, ते हुण असी चल पए हैं अपनी घर दी तरफ। ते फिर दिखाने हैं थोनू कि असी चक्रियां नूं हमेशा गुलगुले कचौड़ियां पा के भरदे हैं, ते किस तरह असी मत्था टेकदे हैं सारा परिवार इकट्ठा होके, फिर थोड़े नाल रूबरू होवांगे। तो मिलते हैं फिर शाम को जो असी अपने गुलगुले कचौड़ियाँ बना के रेडी करा, तो चलिए। लो जी, असी हम पिंड पहुँच चुके हैं, जा रहे हैं अपने घर की तरफ। मैं दिखा रही हूँ थोड़ा उसने रात थी, शायद चंगी तरह क्लियर नहीं दिखा होगा। ये देखिए ये इस साइड
दिखाई दे रहा है चाचा जी सरदार केसर सिंह जी का। ये आ गए असि गेट से, ये मारा सरदार जी ने फोन, तो हम आएंगे गेट खोलना। हलो जी गेट खुल चुके, हम असि जा रहे हैं घर के अंदर। असीं हुण पहुँच गए घर, तो हुण तैयारी करते हैं मत्था टेकन की चक्करियां की। लो जी हुण असीं गड्डी चों समान कढ लैंदे आ। ये देखिए मैंने आपको उससे बोला था कि हम आपको मिलेंगे तब जब हम गुलगुले कचौड़ियाँ बनाना शुरू कर देंगे। ये देखिए गुलगुले बनाने के लिए हमने पहले ऑयल को ये गर्म होना रख दिया है। ये देखिए ये मासी जी अब इसमें डाल डाल के देख रहे हैं कि हमारा जो ऑयल है वो गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए अभी थोड़ा कम ही गर्म है, अभी थोड़ा इसको गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम गुलगुले बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब मासी जी ने ये देखिए गुलगुले डालने शुरू कर दिए। मेरे हाथ में झरनी है, जब भी ये थोड़े से पक जाएंगे तब हम इसको पलटी करेंगे दूसरी साइड। ये देखिए ये जो हम चक्रियाँ भरते हैं उसमें हम गुलगुले कचौरियाँ भरते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। कोई उसमें खिले भरते हैं, कोई उसमें फ्रूट भरता है, कोई उसमें ड्राई फ्रूट भरते हैं, लेकिन हम जो हैं हम जहाँ से जिस साइड से हैं चंडीगढ़ साइड से उस तरफ हमारे में गुलगुले कचौरियाँ बना के उसमें भरा जाता है, फ्रूट साइड पर रखा जाता है और हम वैसे ही बना रहे हैं। ये देखिए हम गुलगुले बना रहे हैं, इसके बाद हम कचौरी बनाएंगे। अब पहले हम इसको देखते हैं कि हमारे जो गुलगुले हैं, ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको ये ऐसे हिला दूंगी। ये देखिए इनको थोड़ा सा हिला दिया है हमें, अब मैं पहले इनको पकने दूंगी, फिर हम इसमें नेक्स्ट वाला फूड डालेंगे। ये देखिए हमारे जो गुलगुले हैं वो पक चुके हैं। ये देखिए कितने फूले फूले हैं, हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, ना बेकिंग पाउडर ना सोडा कुछ भी नहीं। ये देखिए अब मैं इस गुलगुले को इस प्लेट में, ये देखिए बिल्कुल ऑयल झाड़ के इस प्लेट में निकाल दूंगी। ये देखिए ये देखिए हमने नेक्स्ट फूड इसमें डालना शुरू कर दिया है मासी जी ने। ऐसे ही हम सारे गुलगुले बना के अपने रेडी कर लेंगे चक्रियों के लिए। ये देखिए शुभ रेडी हो चुका है, उसने अपनी जो उसके लिए हम नई ड्रेस लेके आए थे वो उसने पहन ली है क्योंकि मत्था टेकने का टाइम हो चुका है। शुभ हाय करो बेटा, वेरी गुड। अच्छा अभी आप चाचा के पास जाओ रूम में, चाचा देखो चाचा तैयार हो गए कि नहीं। हाँ जी करेंगे करेंगे, चाचा फ़ोन पे है बाद में करेंगे। ये मासी जी अभी बना रहे हैं, अभी हम थोड़ा ये देखिए जो हमारे चक्रे हैं उन्हें थोड़ा डेकोरेट करेंगे ताकि मत्था टेकने की तैयारी करें। अब पहले इसको डेकोरेशन करते हैं थोड़ी सी। ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें फिमौली बांध दूंगी मैं, जिसे खमड़ी भी बोलते हैं। ये देखिए ऐसे, क्योंकि इसको हमारे यहाँ शुभ माना जाता है, खमड़ी बांध के हम जो भी शुभ काम करते हैं इसी से करते हैं। ये देखिए ये मैंने इसको बांध दिया है, अब यहाँ से मैं इसको तोड़ दूंगी। ये देखिए मैंने इसके बीच में पेपर भी लगा दिया है ताकि जब हम इसमें गुलगुले डालेंगे तो इसका जो अंदर कोई कभी कई बार थोड़ी बहुत कोई मिट्टी रह जाए तो वो लग ना जाए। ये देखिए अब मैंने इसको ये बांध दिया है, अब मैं क्या करूँगी। ये देखिए मैंने हल्दी, हमारे यहाँ क्या करते हैं हल्दी को ऐसे पानी में घोल देते हैं, वैसे तो ये डेकोरेट है लेकिन हल्दी लगाना हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। ये देखिए अब मैं इसको 7 टीके लगाऊंगी। ये देखिए 1 2 ये 3
फिर हर एक शुभ काम में हल्दी हम लोग लगाते हैं, ये देखिए 4-5 और ये 6 और ये हो गया 7। ये मैंने इसको 7 टीके लगा दिए हैं। अब मैं इसको यहाँ पे रख दूंगी। अब इसके ऊपर वाला जो ढक्कन है ये देखिए, इसके बीच में भी मैं 7 टीके लगा दूंगी। ये देखिए 1, 2, 3, 4। हर एक जगह का अपना अपना रिवाज होता है, हर एक जगह पे अपने अपने हिसाब से जो त्यौहार हैं वो मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे घर में जैसे मनाया जाता है मैं वैसे दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए ये हमारे 7 टीके इसके पूरे हो चुके हैं। ये देखिए अब मैं इसको उसके ऊपर रख दूंगी। ऐसे ही जो मेरे बाकी चक्रे हैं मैं उन्हें भी ऐसे ही मौली बांध के टीके लगा के रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने अपने सारे चक्रे जो हैं डेकोरेट करके रेडी कर लिए हैं। ये देखिए ये इसके पापा का और ये मेरे बड़े देवर का और ये मेरे छोटे देवर का और ये शुभ का, सबके चक्रे बन के रेडी हो चुके हैं। ये देखिए मैंने ये हमारे यहाँ अनाज रखते हैं, ये देखिए मैंने मक्की के दाने रख लिए हैं, दिया भी रख दिया है। अभी इसको हम इस तेल वगैरह इसमें डालेंगे। ये देखिए हमने दिए में तेल और बाती डाल दी है। देखिए हमारे गुलगुले भी बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैं सबसे पहले इनमें गुलगुले डालूंगी। थोड़े थोड़े सब में पहले डालूंगी मैं। ये हमारे घर में एक ऐसा करुआ रखते हैं क्योंकि शुभ इसी को माना जाता है, इसलिए हमने 2 डेकोरेशन वाले रखे और एक सिंपल वाला रखा। ये देखिए ये हमने रख दिया, ये रख दिया यहाँ पे। अब इसके ऊपर हम ये देखिए 2 केले रख देंगे। ये जो हमारी साइड के लोग हैं वो तो सेम ऐसे ही मनाते हैं, लेकिन मैं मेरी वीडियो और भी लोग देखते हैं जो मेरी और फ्रेंड्स हैं, हिंदू फ्रेंड्स हैं, ये उनके लिए तो बिल्कुल नया ही है, इसलिए मैं बना रही हूँ ये वाली वीडियो। ये देखिए मैंने केले रख दिए हैं ऊपर ऐसे। अब मैं इसके ऊपर एक एक सेब रखूँगी। ये देखिए हमारे गुलगुले तो बन चुके हैं। अब हम कचौरी बनानी शुरू कर दी है। ये देखिए हम लोगों ने पट्टी लगा दी है, उसी पे कढ़ाई रख दिया है। मासी जी कचौरियाँ निकाल रहे हैं और मैं डाल रही हूँ। ये देखिए आपको दिख ही रहा होगा हम अपने घर में ऐसे ही बनाते हैं क्योंकि हम लोग बड़ा परिवार हैं तो हम लोग ऐसे पट्टी लगा लेते हैं, उसी पे कचौरियाँ बनाते हैं। छोटा हो तो हम गैस पे भी बना लेते हैं, छोटे तो 3-4 जी हों, लेकिन हम लोगों में हमारा परिवार है जो बड़ा है तो इसलिए हमें, ये देखिए आपको दिख ही रहा होगा परातों में हमने अपना जो ये आलू और ये आटा रेडी करके रखा है। ये देखिए आप देख रहे हो ऐसे ही हम सारी कचौरियाँ बनाएंगे, धीरे धीरे बनाते जाएंगे और सब लोग खाते जाएंगे। अभी हमें मत्था भी टेकना है, मत्था टेकने के बाद ही खाना शुरू करेंगे। Thank you.
ये देखिए अभी हमने कचौरियों का काम थोड़ा बीच में स्टॉप कर दिया है कि हम लोग अभी मत्था टेकने वाले हैं। ये देखिए शुभ बैठ गया है। हमने गन्ने भी ला के रख दिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ गन्ने भी रखते हैं साथ में 5 गन्ने मत्था टेकने के लिए। ये अभी सभी लोग आएंगे तो हम लोग मत्था टेकेंगे। चन्नी दादू का फोन है। खा ला शिमो ले चल मैं लगने का साल मेरे
अरे मैं तो रह गया यार, मैं तो रह गया। मैं कहते रहे मैं रह गया, कल ना ये बाद मेरी बारी है। ये देखिए शुभ अपनी चक्री से उठा उठा के खा रहा है, सभी बच्चों ने अपना अपना चक्री में से उठा उठा के खा लिया है। ये देखिए सब ने अपनी चक्री खोल ली है, हमारा जो चक्री का मत्था था वो हमने टेक लिया है। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बना के अपलोड करें, और ऐसे ही आप मुझको मेरा अपना सपोर्ट मुझको देते रहिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। बाय बाय।